Hi, I'm Savan Kumar, a CA by profession, an IT professional, your friend, your coach, your colleague, your mentor, and I'm there to help you. I'm there to discuss with you. I'm there to talk with you about any of the problems that you are facing, about your career, about your business, about your finance, or about your life. Yes, I'll try to help you with all what I have learned in my life to the best of my abilities. I hope I'm able to be of any help to you. Yes. So today hum baat karenge about something that is very close to me. That is, you know, something that मैं भी बहुत किया करता था। क्या है ये? टाइम वेस्ट करना। बहुत टाइम वेस्ट किया करता था मैं, बहुत से भी ज्यादा। मतलब यू डू नॉट, आपको सोच नहीं सकते कि कितना टाइम वेस्ट किया करते थे। हर कोई करता है, एज अ स्टूडेंट हर कोई करता है, एंड आई डोंट थिंक दैट दिस इज रियली समथिंग बैड अबाउट इट। क्यों नहीं करें भाई, हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास हमारे गार्जियंस हैं, मेरे पास बाप है, टू स्पेंड मनी फॉर मी, उसने मुझे पढ़ने भेजा है, उसने मुझे ऐश करने भेजा है, तो क्यों नहीं टाइम वेस्ट करें? Why should I not waste my time? I will waste my time. I have every right to waste my time. I have every right to spend hours watching movies, लड़कियों से बात करना है, मूवीज देखना है, तफरी करना है, इधर उधर घूमना है, कुछ भी करना है, बट कुछ भी काम का नहीं करना है, कुछ भी जो मुझे मेरे ग्रोथ में हेल्प करेगा वो नहीं करना है। कुछ एक ऐसा है हमारे अंदर, एक रडार लगा हुआ हमारे सिस्टम में, कि वो हमें कुछ अच्छा तो करने देता ही नहीं। दिन के 24 घंटे हैं भाई, पूरे के पूरे 24 घंटे निकल जाते हैं, 7 हफ्ते के 7 तो दिन निकल जाते हैं, महीने के 30 दिन निकल जाते हैं, पूरा पूरा साल निकल जाता है, बट somehow वो जो रडार है हमें कुछ अच्छा करने ही नहीं देता। यू नो इट इज आवर ह्यूमन बॉडी, अगर हम कुछ खराब कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, तो हमें कुछ अच्छा भी करना चाहिए, बट somehow हम इंक्लाइंड हो जाते हैं बुरा करने की तरफ, टाइम वेस्ट करने की तरफ, हम टाइम यूटिलाइज नहीं करने की कोशिश करते हैं कभी भी। डज दैट हैपन विथ यू? डज दैट रियली हैपन विथ यू? इट हैपन्स विथ मी अलॉट, इट यूज टू हैपन विथ मी अलॉट, एंड इट स्टिल हैपन्स विथ मी अलॉट, एंड व्हेनेवर जब भी मैं उस चीज में जाता हूं ना, टाइम वेस्ट करने वाले एटीट्यूड में द मोमेंट, अगर किसी दिन नेटफ्लिक्स पे कोई एक सीरीज खोल लिया, आज भी ऐसा होता है, अगर नेटफ्लिक्स पे कोई एक सीरीज खोल लिया, एंड यू नो दीज पीपल हु मेक दीज सीरीज आर सच ब्रिलियंट पीपल दैट इफ यू बाय मिस्टेक वॉच एनी सीरीज फॉर 10-15 मिनट्स, आप जब तक वो पूरी सीरीज खत्म नहीं कर देंगे आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। दे आर सच ब्रिलियंट स्टोरी राइटर्स एंड स्क्रिप्टिंग एंड दोज एक्टर्स, सच ब्रिलियंट पीपल, एंड व्हेन आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट सिट एंड वॉच अ नेटफ्लिक्स वाला प्राइम वीडियो सीरीज, बिकॉज बहुत बुरी आदत है मुझमें, अगर मैं कोई सीरीज देखने बैठ गया देन आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट सीरीज, नो मैटर हाउ मेनी सीरीज, नो मैटर हाउ मेनी एपिसोड, उसके लिए मुझे 2 रात 3 रात 4 रात कितना भी जागना पड़े। आई when this lockdown thing started, I remember there was one series जो I hooked up on, and that was Money Heist. Yes, it had some 2-3 seasons और काफी सारे episodes थे, and मैं खत्म कर दिया उसको 2-3 रात में, and it was like, man, what am I doing? क्या कर रहा हूँ मैं, 3 रात 3 दिन I just wasted watching some series और मैं कुछ भी नहीं किया, 3 रात 3 दिन, and that is how we waste हमारा पूरा का पूरा कॉलेज लाइफ, that is how we waste the entire school life doing absolutely nothing, फ्रेंड्स के साथ घूमना, तफरी मारना, मूवीज देखना, सोशल मीडिया पे दिन भर बैठ के फेसबुक स्क्रॉल करना, कुछ भी करते हैं बट कुछ भी काम का नहीं करते हैं, बट इज दैट द राइट थिंग?
क्या ये सही है? हम एक ऐसी चीज को वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे पास बहुत लिमिटेड है, और हमारे बड़े भी अगर हमें बोलते भी हैं कि बेटा टाइम बहुत कीमती है, उनका एम्फेसिस, उनका डायरेक्शन ज्यादा पैसों की तरफ होता है देन समय की। वो ज्यादा आपको बोलेंगे पैसे बचाओ, कभी कभी बोलेंगे समय बचाओ। हमें हमारे अंदर वो डाला जाता है पैसे बचाना जरूरी है, तुम समय वेस्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत, और हमें वो दिखाया भी जाता है। डिस्काउंट शॉपिंग करने के लिए घंटों बर्बाद कर देंगे, किस लिए? 200-400 रुपए बचाने के लिए, राइट? अगर हम वो देख रहे हैं एज अ किड कि ठीक है, हम 5 घंटे बर्बाद कर सकते हैं 500 रुपए बचाने के लिए, दैट इज व्हाट वी स्टार्ट लर्निंग कि भाई टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन दो वी आर सेड पूरी जिंदगी कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट वी ग्रो अप सीइंग इसके टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम टाइम वेस्ट कर सकते हो, तुम बैठ के पूरा पूरा दिन जस्ट ऐसे ही बैठकर निकाल सकते हो, तुम एक चाय की दुकान पर जाके बैठ के 2-3 घंटे निकाल सकते हो, तुम कुछ भी करके टाइम वेस्ट कर सकते हो। एंड टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि तुम पैसे बचाओ, व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट इज कि तुम पैसे बचाओ। बट क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है? समझिए बात को, बहुत छोटी बात है बट बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको पैसे बचाने पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है समय बचाने, बिकॉज वो बहुत लिमिटेड है। पैसे बहुत छप जाएंगे, अनलिमिटेड छप जाएंगे यार, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वॉट एवर बी इट इज, बट समय तो उतना ही है आपके पास, 60 years, 65 years, 70 years, समय उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसको वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। बचा लो इसको, बिकॉज जो एक बार चला जाएगा, पैसे खर्च कर लोगे आप फिर कमा सकते हो, बट जो समय खर्च कर दोगे उसे फिर वापस नहीं ला पाओगे आप। तो मेक श्योर कि आप इस समय को बचाइए। हाँ, शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज हमारी आदत बनी हुई है टू वेस्ट दिस टाइम। वी आर सो यूज्ड टू वेस्टिंग टाइम कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घंटों वेस्ट कर देते हैं, एंड हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमने घंटों वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर दिया और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, पूरे के पूरे हफ्ते को वेस्ट कर दिया और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। हम रियलाइज भी नहीं करते हैं, यू नो, जब तक हमारा एग्जाम्स नहीं आ जाता हम रियलाइज भी नहीं करते कि अरे यार शिट, एग्जाम्स आ गए, अभी क्या, मैंने तो पढ़ाई नहीं किया, अब पढ़ाई करते हैं, यू नो। ये तो स्कूल के एग्जाम की बात है, व्हाट अबाउट योर लाइफ एग्जाम? व्हाट व्हेन योर लाइफ विल बी टेकिंग योर एग्जाम, What will you be doing then? Then आपके पास फेल होने का भी ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज उसमें अगर आप फेल होते हो ना, ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड, ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ इफ यू फेल इन द एग्जाम दैट लाइफ टेक्स ऑफ यू एंड इफ यू आर नॉट रेडी फॉर यू। अगर आप लाइफ को बोलते हो नहीं नहीं रुको, लेट मी गेट रेडी, और आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता लाइफ को बोलने का कि बॉस एग्जाम में क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं, जब लाइफ आपकी जिंदगी आपकी परीक्षा लेगी तो आप जिंदगी को नहीं बोल सकते दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, एग्जाम रीटेक करना है, क्या बोलते हैं उसको, 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर गए तो वापस दे देने का ऑप्शन जो होता है, यू नो, जिंदगी आपको ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं देगी। अगर उसके एग्जाम में फेल हो गए, ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड। सो मेक श्योर दैट आप खुद को प्रिपेयर करें उस एग्जाम के लिए। ये छोटे मोटे एग्जाम्स तो आप पास कर जाओगे, पास करो फेल करो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेटली जो एग्जाम होने वाला है वो बड़ा वाला, टू लीड अ गुड लाइफ, टू लीड अ हैप्पी लाइफ, टू बी सक्सेसफुल, टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, ये जो एग्जाम होने वाला है हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं क्या? क्या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए? अगर हम कम कमाते हैं तो क्या हम उसके लिए किसी और को एक्सक्यूज बलि का बकरा बनाने वाले हैं? क्या हम बिहार में इलेक्शन हुआ एंड वहां पे लालटेन छाप जीत गया या तीर छाप जीत गया उसको ब्लेम करना चाहते हैं, या हम मोदी जी को ब्लेम करना चाहते हैं हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली उसके लिए, या हम किसी और के
इलेक्शन प्रॉमिसेस को ब्लेम करना चाहते हैं, हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? एंड उसको ब्लेम करने से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? हम अपने पापा को ब्लेम करें, मम्मी को ब्लेम करें, टीचर्स को ब्लेम करें, स्कूल्स को ब्लेम करें, किसी को भी ब्लेम करें, उससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है भाई? हमारी आपकी जिंदगी तो खराब हो चुकी है अगर हमने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया तो ना उनको फर्क पड़ेगा, फर्क अगर पड़ रहा है तो वो है आपको। आपको इंश्योर करना है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें। जितनी आसानी से इसे वेस्ट कर देते हैं उतनी आसानी से तो बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। हर दिन इन स्मॉल अमाउंट्स स्टार्ट टू लर्न समथिंग, स्टार्ट टू फिगर आउट कि कैसे आप कुछ उन नई चीजों को सीख सकते हैं, कैसे आप इस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। हर दिन कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचो, हर दिन कुछ नया करने का सोचो, हर दिन कुछ नया सीखने का सोचो, हर दिन का कुछ एक छोटा सा प्लान बना लो कि आज मुझे ये अचीव करना है। अपनी जिंदगी का एक गोल बना लो, कैसे अचीव करना है, क्या अचीव करना है, दैट विल ऑटोमेटिकली हैपन। मे बी अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको कई बार रास्ते बदलने पड़े, कभी आप जॉब करने चले जाओ, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, फिर कभी आप फ्रीलांसिंग करने चले जाओ, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। बट आपको करना क्या है, आपको आज से अपने समय को थोड़ा कीमती समझते हुए अपने समय को यूटिलाइज करना है। जितने ज्यादा समय को आप यूटिलाइज करेंगे और जितने कम समय को आप मिस यूटिलाइज करेंगे, जितने कम समय को आप वेस्ट करेंगे, आप उतना ही ज्यादा अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। और शायद आप अपने समय को अगर बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं तो आप उस गोल तक सिर्फ पहुंचेंगे ही नहीं, आप फिर एक नया गोल बनाएंगे, बिकॉज इस गोल पे आप बहुत जल्दी पहुंच गए, फिर एक नया गोल, फिर एक नया गोल, एंड फिर बहुत सारे गोल्स को आप क्रॉस करते चले जाएंगे पूरी जिंदगी। एंड बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने एक गोल को भी अचीव नहीं कर पाते। सो आप किस साइड रहना चाहते हैं? आप जिंदगी पर खुद को ये एक्सक्यूज देना चाहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए इसलिए मैं 7 बजे के बाद काम नहीं करूंगा? आप खुद को ये एक्सक्यूज देना चाहते हैं कि नहीं, मैं 7 बजे के बाद ऑफिस का काम नहीं करूंगा बिकॉज मेरे लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए? वो वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ जाता है भाई, जब आप 24 घंटे वेस्ट कर रहे होते हो? उस टाइम पे तो आपके दिमाग में कभी ये बैलेंस की बात नहीं आती। ये सडनली बैलेंस की बात जब आप ऑफिस में काम करने जाते हो तो क्यों आती है? आप उसके पहले 24 घंटे वेस्ट कर रहे थे अपनी जिंदगी का, तो फिर वो बैलेंस बनाने की बात नहीं आ रही थी कि चल यार थोड़ा टाइम यूटिलाइज भी कर ले, मैं 10 घंटे अगर वेस्ट कर रहा हूँ तो 10 घंटे को यूटिलाइज भी कर लूँ, वो बात कभी नहीं आई दिमाग में। आज अचानक क्यों? बिकॉज आज अचानक वापस समय को वेस्ट करना है, बिकॉज हमें आदत लग चुकी है समय को वेस्ट करने की। तो हमें क्या अच्छा एक्सक्यूज मिल जाता है? वर्क लाइफ बैलेंस। आपने बहुत सुना होगा इसे कि नहीं मैं क्या सिर्फ काम करता रहूंगा? एक बात बताओ, एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, दो ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो जाता है बट फिर भी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज 5 वर्किंग डे होते हैं, 5 वर्किंग डे में 8 वर्किंग आवर्स के हिसाब से 40 वर्किंग आवर्स होते हैं। सो आउट ऑफ 168 वर्किंग आवर्स आप सिर्फ 40 घंटे काम कर रहे हो। एंड ऑनेस्टली आप अगर खुद में कैलकुलेट करोगे उस 40 वर्किंग आवर में आप एक्चुअली में एफिशिएंटली कितने घंटे काम करते हो, बिना सोशल मीडिया देखे, बिना फेसबुक देखे, बिना किसी और से बात किए, बिना चाय या सुट्टा मारे, आप एक्चुअली कितने देर काम कर रहे हो? 60-70% ऑफ द टाइम। दैट इज हाउ आई वॉज ऑल्सो वर्किंग व्हेन आई वॉज वर्किंग, आई वॉज डूइंग अ जॉब, that is how I was working. I have seen a lot of business people also doing the same. 10-11 बजे दुकान खोला, 7 बजे तक पैक करके आ गए, अब घर पे आराम करेंगे, या जिंदगी पूरी काम करके थोड़ी बिताएंगे। जिंदगी काम करने के लिए थोड़ी है, जिंदगी तो आराम करने के लिए है, जिंदगी तो आराम करने के लिए है, बट कॉम्प्रोमाइज्ड आराम। ना अच्छा घर है, ना अच्छी गाड़ी है, ना अच्छी लाइफ स्टाइल है, ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा कॉलेज है, ना हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, ना खुद के लिए कुछ अच्छा ले पा रहे हैं, बट चलता है, चलता रहेगा।
हम तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे, भाड़ में जाए दुनिया, और कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे जिंदगी से, जैसे करते आए हैं आज तक। दैट इज वॉट वी डू, वी दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, एंड जिंदगी चलती रहेगी एज अ मिडिल क्लास पर्सन। दैट इज वॉट आई वी लव टू डू। सो वॉट इज द सोल्यूशन? एज आई सेड, अपने समय को यूटिलाइज करना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे अमाउंट्स में, छोटे छोटे क्वांटिटीज में, एंड आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली अपने गोल के करीब पहुंच रहे हो। और एक छोटी सी चीज करूं, अगर अपने समय को वेस्ट नहीं करना है तो खुद को अपने लिए सबसे पहले रखो, पूरी दुनिया को भूल जाओ। समय आपका है, इसे कीमती आपको बनाना है, इसे वेस्ट आपको नहीं होने देना है। दूसरे कितना भी चाहें, कितना भी बोलें, आपको अपने समय को वेस्ट नहीं होने देना है। तो आपको सबसे पहले खुद को रखना पड़ेगा, खुद के बेनिफिट्स को रखना पड़ेगा, भले ही दुनिया आपको थोड़ा सेल्फिश बोले, बोलने दो। हाँ मैं सेल्फिश हूँ इफ इट इज अबाउट माई टाइम, हाँ मैं सेल्फिश हूँ इफ इट इज अबाउट माई टाइम, बिकॉज इट इज माई टाइम, इट इज नॉट योर टाइम। यू टेक केयर ऑफ योर टाइम, आई टेक केयर ऑफ माई टाइम। सो खुद को पहले रखें, कैलकुलेट करें, एनालाइज करें वेदर यू शुड वेस्ट टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। इज इट गोइंग टू बी फ्रूटफुल और नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल? डू सम कैलकुलेशंस, एंड इफ अंदर से आवाज आती है कि हाँ जा कर, तो कर ले भाई। और नहीं, अगर आवाज आती है, आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है, देन उसे बिल्कुल भी ना करें। डू नॉट डू इट, डू नॉट जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट और बिकॉज समबडी आस्क्ड यू टू डू इट। किसी फ्रेंड ने बोला है, किसी रिलेटिव ने बोला है, इसीलिए मैं पूरा दिन वेस्ट कर दूं? मत वेस्ट करो। थोड़ा सेल्फिश बनना हो तो बन जाओ, थोड़ा दुनिया को कुछ बुरा कहना है तो कह लेने दो, बिकॉज जब आप सक्सेसफुल बनकर खड़े होंगे उनके सामने, वही लोग याद रखना, एग्जैक्टली दो सेम पीपल जिन्होंने आपको सेल्फिश बुलाया था, जिन्होंने आपको बुरा भला कहा था जब आपने उनको टाइम नहीं दिया था, अगर आप सक्सेसफुल हो गए, दो सेम पीपल विल बी प्रेजिंग यू, दो सेम पीपल विल बी सेइंग गुड अबाउट यू। और कल अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो आप सबसे आगे खड़े होगे कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, बी इट मेडिकल और बी इट एनीथिंग। सो आपको चूज करना है आप कौन से साइड में रहना चाहते हैं, आपको चूज करना है आप सक्सेसफुल वाले साइड में आना चाहते हैं या एक्सक्यूज बनाने वालों के साइड में आते हैं। एनी, आर यू एबल टू मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट? यस, टेल मी इन द कमेंट्स, वॉज कुछ समझ आया? टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसे इंपॉर्टेंस दें, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर नहीं आया तो भी कमेंट्स में बताइए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा राइट इन द कमेंट, या फिर आपसे पर्सनली बात करके। हाँ, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा टू नो व्हाट योर प्रॉब्लम्स आर एंड वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट टुगेदर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।